नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद केमी चैनल से, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो लोटस का प्लांट है उसने स्टार्ट कर दी है ब्लूमिंग, और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें बर्ड आई हुई है। तो मैं आप लोगों को एक बार पीछे इसके हाथ रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी फर्स्ट बर्ड निकली है। सो ये बर्ड थोड़ी सी छोटी है बिकॉज जो दूसरी बर्ड है वो भी इसके साथ ब्लूम होने के लिए रेडी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये वाली जो बर्ड है ये फर्स्ट बर्ड है इसीलिए ये थोड़ी छोटी है, लेकिन जो इससे नेक्स्ट आ रही है वो फुल साइज है। वो अभी से दिख रही है कि वो काफी बड़ा साइज की बर्ड है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए ये थर्ड बर्ड आ रही है इसकी, ये तीसरी बर्ड है, अभी से ही इसमें तीसरी बर्ड निकल रही है, और फोर्थ बर्ड भी मैं इसके अंदर देख रही थी कि इसमें कहीं पर आ रही है। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये इसकी थर्ड बर्ड है, और इस तरह से इसमें बर्डिंग हो रही है। बर्डिंग बहुत हो रही है दोस्तों, अच्छे से हो रही है भगवान की कृपा से। पहले जो फर्स्ट ईयर था उसमें एक एक करके लोटस वन बाय वन ब्लूम होता था, सेकेंडली जो ये लोटस लगा, फिर दूसरे साल जो लगा उसमें एक दो बर्ड्स एक साथ आने लगी, और अब देखिए दोस्तों अब इसमें एक दो और ये तीसरी बर्ड भी आने लगी है। तो अब ये जो लोटस का प्लांट है ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है, तो पुराना होने की वजह से इसमें बर्ड्स ज़्यादा आने लगी हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है हमारे जो ट्यूबर्स होते हैं वो अंदर दोस्तों अंदर ही अंदर काफ़ी बन जाते हैं, और हमें लगता ये है कि हमारा एक प्लांट है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्लांट एक साथ होते हैं। तो हर ट्यूबर अपने लिए एक अलग बर्ड बनाता है, और अलग अलग बर्ड्स हमें इसमें से मिलती हैं, देखने को मिल जाती हैं इस तरह से। और बल्कि मैं तो ये देख रही हूँ और भी इसके अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं बर्ड्स आ रही होंगी। इसमें मैंने मछलियाँ भी डाल रखी हैं दोस्तों, जिससे कि लार्वे पैदा ना हो, क्योंकि दोस्तों मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा बिज़ी है, तो मैंने मछलियाँ डाल रखी है। अगर आप लोगों का बिज़ी रूटीन नहीं है ज़्यादा, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप मछलियाँ मत डालिए अगर मछलियाँ मर जाती हैं। कई मुझे कमेंट्स आते हैं कि मछलियाँ मर भी जाती हैं, तो दोस्तों इस वजह से आप लोग क्या करें कि हर 15 दिन में अपने इस टब को साफ़ कर लिया करें पूरा, अच्छी तरह से इसका पानी निकाल के चेंज कर दीजिए। उससे क्या होता है, प्लांट को भी दोस्तों न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर न्यूट्रिएंट मिल जाता है। मैं भी ऐसा करती हूँ कि इसका कम से कम एक या दो मग पानी इसमें से निकाल के और इसमें एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, तो वो क्या रहता है, वो अच्छा रहता है दोस्तों। हमारा जो प्लांट है वो वाटर न्यूट्रिएंट से भरपूर रहता है। तो चलिए अब हम लोग अपने सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं। सो गाइस, सेकंड टॉपिक है हमारा, ये देखिए लेमन का प्लांट। लेमन के प्लांट में बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, ये देखिए आप लोग कितने कितने इसमें फ्रूट लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फ्रूट आ रहे हैं, और ये देखिए यहाँ भी फ्रूट है। तो फ्रूटिंग एक दो, उधर कोने में तीन चार पाँच छः, ये देखिए दोस्तों सात आठ नौ, और मैं आप लोगों को न्यू भी दिखा रही हूँ, न्यू भी इसमें निकल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से लेमन। और ये 9-10 लेमन तो मैंने आप लोगों के सामने गिनी दिए, ये देखिए अंदर की साइड भी यहाँ पर है। सो गाइज, 10 लेमन तो मैंने आपको इसमें गिना ही दिए। तो देखिए लेमन का प्लांट भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फ्रूटिंग कर रहा है, और इसके लिए कोई भी प्लांट आपका क्यों ना हो दोस्तों, इसको फ्रूटिंग करवाने के लिए आप लोगों को इस वक्त क्या फर्टिलाइज़र देना है, या फ्लावर को फ्लावरिंग करवाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, वो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे फ्रूट्स हमारे जो बड़े हैं, जैसे देखिए ये करौंदा लगा, तो करौंदे में देखिए ढेर हमारे करौंदे आ रहे हैं। करौंदे मैंने देखे हैं यूके में दोस्तों, कम मिलते हैं, यूपी में हमारे बहुत सारे पेड़ होते हैं करौंदे के, हर जगह दोस्तों गली गली करौंदा नीम का पेड़ तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन यूके में ठीक उल्टा है, यहाँ पर गली गली ना करौंदा मिलेगा ना नीम मिलेगा। सो हमें अपने ही घर में इस तरह ग्रो करना होता है। सो गाइस, जिन जिनकी पास करौंदा या नीम के पेड़ नहीं होते वो टेरेस पर अपने ज़रूर ग्रो करें। तो अब मैं आप लोगों को दोस्तों बताने जा रही हूँ खाद इन सभी फ्रूट प्लांट्स के लिए। सो गाइस, जो खाद है ये है वुड एशेस, तो आप लोग सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए अपने सामने देखिए, ये वुड एशेस है, ये हमारी ही जलाई हुई लकड़ियों से बने हुई वुड एश है, ये हमने दोस्तों बनाया है।
ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आपका फर्टिलाइज़र रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट को चेंजअप करके आप लोगों के पास अगर गोबर खाद अवेलेबल है तो आप इसका वो भी एक मतलब ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट ना लेना चाहें तो गोबर की खाद ले सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद दोस्तों वर्मी कंपोस्ट से सस्ती पड़ती है और वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा हाई मटेरियल है, इसीलिए आप लोग गोबर की खाद भी ले सकते हैं। हालांकि जो वर्मी कंपोस्ट होती है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी खाद बनाई जाती है जिसमें कि केंचुओं को छोड़ा जाता है और वो इस खाद को बनाते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट बनती है। सो गाइज, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लेनी है प्योर वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, प्योर वर्मी कंपोस्ट में मैंने पूरा ये तसला, ये देखिए इस तरह से आधा सा तसला आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें से वर्मी कंपोस्ट ली थी। और दोस्तों इसके अंदर 4 से 5 ये जो आप देख रहे हैं टेबलस्पून, ये एक बड़ी करछी टाइप है, तो इसमें दोस्तों डाल दिए हैं 4-5 इस तरह से टेबलस्पून्स, और दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार है। और इसी को फर्टिलाइज़र को मैं अपने आजकल इन फ्रूटिंग प्लांट्स में या दोस्तों हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल रही हूँ, क्योंकि इस वक्त क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र्स हमारे प्लांट में बारिश हो जाएगी और ये प्लांट को जलाएंगे नहीं। कई बार ऐसा होता है धूप में ऐसे फर्टिलाइज़र देने से हमारे प्लांट्स जल जाते हैं, तो बेस्ट पीरियड जो हमारा ये फर्टिलाइज़र देने का है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो चल रहा है समय जुलाई का, ये है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा ये विशाल सा हमारा ये अलमंडा का प्लांट हो गया है, और दोस्तों इसको करीबन 3 ईयर्स का ये प्लांट हो चुका है हमारा। तो इसमें भी देखिए मैं यही खाद दे रही हूँ, ये फ्लावरिंग प्लांट है हमारा। इसमें करना क्या है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन भी है, चारों तरफ डालना है आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को हल्का हल्का इसकी खुदाई करनी है मिट्टी की, जहाँ से भी आपको डालना है, कुछ मिट्टी नहीं निकालनी, कुछ भी नहीं करना। अपना ये जो हमने मिक्सर तैयार किया है, मिक्सर को थोड़ा सा लेना है और थोड़े से इसे को इस तरह से मतलब गमले के अकॉर्डिंग दीजिए दोस्तों आप लोग। ये बड़ा गमला है तो एक ही साइड में देखिए 2 करछी पड़ जाएगी इसमें, तो इस तरह से इसको मिक्सअप कर देना है बस इस तरह से डाल के। मैं आपको थोड़ा सा कोना ही दिखा रही हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है, जब मैं ये फ़ोन हटा लूँगी, क्योंकि गमला भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक साइड करके दिखा रही हूँ। गमला छोटा होता तो मैं आपको चारों तरफ दिखा देती। तो इसमें कम से कम 5 से 6 खर्ची पड़ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गमला है दोस्तों, बहुत विशाल गमला है, तो इसमें कम से कम 5-6 टेबल स्पून इसका पड़ जाएगा। छोटे गमले हैं, जैसे कि ये 10-12 इंच का गमला है, तो 10-12 इंच के गमले में 1 से 2 करछी पड़ जाएगी आपकी। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर आप लोगों का 15 इंच का या दोस्तों 20 इंच का गमला है तो उसमें 3 या 3.5 करछी डालिए। 7 इंच का गमला है तो बिल्कुल ही 1 करछी डालिए। एक जो आप लोगों को दिख रही थी, ये आप लोग देख रहे थे टेबलस्पून, बस इतना डालना है। सो इस तरह से अपने हर एक प्लांट को थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देते रहिए, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है ये वाला फर्टिलाइज़र देने के लिए। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को कल एक नया अपडेट दूंगी, आप लोग मेरे शॉर्ट्स में भी बने रहिए। ये जो लोटस का प्लांट है, ये लोटस कल फुल ब्लूम पर आएगा दोस्तों, कल है थर्सडे, कल जब ये फुल ब्लूम हो जाएगा तो मैं इसका शॉट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बाय गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ एक बार फिर से मिलूंगी। बाय गाइस।